For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मूवीज अड्डा। और चलिए शुरुआत करते हैं बिग बॉस के कल के टॉप 5 हाइलाइट्स की। नंबर 1, घर में नया दिन शुरू होता है रोमिल की कैप्टनसी से, और वहीं दो कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे बगावत करते हैं रोमिल की बात सुनने से। जी हाँ, यानी श्रीसंत और शिवशीष जो है दोनों ही मना कर देते हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और बिग बॉस के कुकड़ू को बजाने के बाद भी, इनफैक्ट गाना बजने के बाद भी, खत्म होने के बाद भी, श्रीसंत और शिव जो है वो घर में सोते हुए ही नजर आते और उठते नहीं है, जिस चीज पर रोमिल जो है उन्हें कहते भी हैं लेकिन वो उनकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। तो यानी कि रोमिल की कैप्टनसी जैसे ही शुरू हुई वैसे ही लोग बगावत पे डेफिनेटली उतर आए हैं। नंबर 2, वेल रोमिल को एक टास्क दिया जाता है जहां पर उन्हें ये कहा जाता है कि उन्हें किन्हीं भी 3 कंटेस्टेंट्स का नाम लेना है काल कोठरी के लिए। तो वहीं रोमिल जो है वो शिवशीष का नाम लेते हैं, श्रीसंत का नाम लेते हैं, मेघा का नाम लेते हैं। मेघा को ये रीजन देते हैं कि गाली की वजह से, जिस तरह आप बर्ताव करती उसकी वजह से। तो मेघा कहती है कि इस तरह सुरभि को भी आपको गालियां देने के लिए जेल भेजना चाहिए, लेकिन रोमिल जो है इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो ग्रुपिज्म के चलते वो बायस हो रहे हैं और पर्सनल रिवेंज निकाल रहे हैं इवन आफ्टर बीइंग अ कैप्टन। नंबर 3, क्योंकि शिवाशीष, श्रीसंत और मेघा ये तीनों ही लोग गुस्से में आकर नहीं मानते हैं बिग बॉस का आदेश और रोमिल का आदेश नहीं मानते हैं काल कोठरी में जाने का, और शिवाशीष जो है वो काफी अग्रेसिव हो जाते हैं, वो बिग बॉस के कहने के बावजूद काल कोठरी में नहीं जाते हैं, जिस चीज से बिग बॉस जो है वो नाराज होकर काफी कठोर बातें कहते हैं सभी कंटेस्टेंट को। साथ ही साथ तीनों कंटेस्टेंट्स को तो सजा मिलती ही है, उसके अलावा पूरे घर को एक साथ बिग बॉस एज अ पनिशमेंट नॉमिनेट कर देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, सिवाय रोमिल के, क्योंकि रोमिल कैप्टन है ऑफ कोर्स, उनके अलावा सभी को नॉमिनेट कर दिया जाता है। जी हाँ, ये था बिग बॉस का गुस्सा कंटेस्टेंट्स के खिलाफ। नंबर 4, घर में ये सब चल ही रहा होता है कि वहीं श्रीसंत जो है वो शिव को काफी सपोर्ट कर रहे होते हैं उनके इन हरकतों के चलते, जबकि उन्हें समझाना चाहिए था उन्हें। और वहीं दीपिका जो है वो श्रीसंत को ये कहती हुई नजर आती हैं कि आपको शिव को समझाना चाहिए, उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए उनकी गलत हरकत पर, उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जिस पर श्री जो है वो भड़क जाते हैं दीपिका पर। इनकी फाइट एनीवे चॉइस चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी फाइट जो होती है, यानी रोमिल और सुरभि, इन दोनों की भी फाइट चालू हो जाती है, जहां पर सुरभि जो है वो चिल्लाती हुई नजर आती है रोमिल पर। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रोमिल और सुरभि की दोस्ती को डेफिनेटली नजर लग चुकी है अब, और इन दोनों में भी बहस होती है। सुरभि बहुत रोती है, हाइपर हो जाती है और फिर इंग्लिश में बात करती हुई नजर आती है कंटिन्यूसली। नंबर 5, नया टास्क आता है घर में, नया लग्जरी बजट टास्क, जिसमें एक रोमिल की टीम होती है, एक रोहित की टीम होती है, और इन दोनों ही कंटेस्टेंट्स को एक हर्डल को क्रॉस करते हुए फाइनली अपने टारगेट तक पहुंचना होता है, जिसमें रोमिल फाइनली विनर रहते हैं और लग्जरी बजट टास्क जीत जाते हैं। और उन्हीं की टीम को लग्जरी बजट टास्क जीतने के बाद उसका फायदा मिलेगा, दूसरी टीम को नहीं फायदा मिलेगा, ये बिग बॉस ने कहा था। उसके बाद जो है, जब रोमिल जीत जाते हैं, उसके बाद जब पूरा दिन खत्म होता है, तो केवी जो है वो दीपक को ये समझाते हुए नजर आए कि अब आपको सिंगल हैंडेडली गेम खेलना चाहिए, अब गेम बहुत आगे आ चुका है, अब आपको रोमिल के साथ मिलकर गेम नहीं खेलना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और दीपक इस बात पे इन्फ्लुएंस होते हुए भी नजर आए, तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है इस चीज पर। और जो भी होगा हम आपके पास अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मूवीज अड्डा।